वेलकम टू द बैक बेंचर्स क्लासरूम। और आज की वीडियो में दिखाएंगे कैसे बिजनेस पोस्टर टेम्पलेट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जा सकता है। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के ऊपर भी, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। और अब आपको इंश्योर होना है आपका पेज साइज A4 में है, तो लेआउट पे क्लिक कीजिए और साइज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए A4 में है या नहीं। उसके बाद मार्जिन पे क्लिक कीजिए और मार्जिन को 0 पे सेट कीजिए। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप कस्टम मार्जिन में जाइए, उसके बाद इसका वैल्यू जो है 0 कर दीजिए। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए और वार्निंग मैसेज को इग्नोर कर दीजिए। अब सबसे पहले हमें लेना है एक बैकग्राउंड इमेज जो बैकग्राउंड में रहेगा, तो इसके लिए इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और फिर पिक्चर पे आप ब्राउज कीजिए कहाँ पे आपका इमेज है। सपोज मेरा डेस्कटॉप पे है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया, उसके बाद इमेजेस, यहाँ से मैं ये वाला इमेज लेने वाला हूँ। अब ये इमेज आपको पूरा का पूरा पेज पे कवर कर देना है इस तरह से। आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इंसर्ट पे जाइए, शेप पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एक रेक्टेंगल इमेज को ले लीजिए। ये रेक्टेंगल शेप जो है इसको पूरा का पूरा कवर करना है उसी इमेज के ऊपर, ताकि इमेज ढक जाए पूरी तरह से। उसके बाद इसका आउटलाइन को रिमूव कर लीजिए और फॉर्मेट शेप में क्लिक करके, यानी ये वाला पॉइंट पे क्लिक करके फॉर्मेट शेप को खोलना है। उसके बाद फिल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ग्रेडियंट पर, क्योंकि हम ग्रेडियंट कलर देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 ग्रेडियंट है टोटल, यहाँ से हम इसका कलर सेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कलर टूल बॉक्स पे ओपन कीजिए, उसके बाद मोर कलर पे क्लिक कीजिए और RGB वैल्यू से हम इसका कलर देंगे। सपोज इसका RGB वैल्यू है 102 102 255, ये वाला। और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम कर देते हैं 66%। इसी तरह बाकी तीनों का भी हमें करना है। मोर कलर पे क्लिक कीजिए और इसका RGB वैल्यू है 0176240 और ट्रांसपेरेंसी इसका हम देंगे 69-70% कर सकते हैं आप। दूसरा भी सेम, मोर पे क्लिक कीजिए, इसका RGB वैल्यू हम देंगे 0 3296, ओके, और ट्रांसपेरेंसी 44% या 45% कर देंगे। उसके बाद लास्ट वाला को भी सेम करना है हमें, इसका वैल्यू देंगे 47 85 151 और इसका ट्रांसपेरेंसी देंगे 24-25%। सपोज 24 या दे देते हैं ये तो बन गया हमारा बैकग्राउंड। अब सबसे पहले हमें लेना है, इंसर्ट पे जाइए, शेप पे जाइए और ये वाला शेप लेना है जो 6 हेडेड राउंड शेप है। इसे आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लीजिए और इसका आउटलाइन जो है उसका आउटलाइन वेट इंक्रीज कर लीजिए, जो मैं यहाँ पे 6 ज़्यादा कम लग रही है। आउटलाइन पे क्लिक कीजिए, फिर से वेट पे क्लिक कीजिए और मोर लाइन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको मैनुअली आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, कितना वाइट चाहिए आपको आउटलाइन का। तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ इसको। अब देखिए ये इसका जो फिल कलर है इसको हम सेट करेंगे एक इमेज से, तो शेप फिल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पिक्चर पे क्लिक कीजिए, फॉर्म फाइल से हम ब्राउज करेंगे इमेज को। सपोज मैं यहाँ पे ये वाला इमेज लेना वाला हूँ, ओके, ये तो हो गया। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे बिठा देते हैं, ओके, और आउटलाइन कलर को मैं वाइट कर देता हूँ।
फिर सेम प्रोसीड्योर से आप दूसरा भी बना सकते हैं, या फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। उसके बाद इसे यहाँ पे बिठा देंगे और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम छोटा कर देंगे यहाँ से। ओके, ये भी बन गया। ठीक है, ये हमारा शेप बन चुका है। अब इसका भी इमेज देंगे हम। फॉर्मेट में जाइए, शेप फिल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पिक्चर पे क्लिक कीजिए, ब्राउज कीजिए। यहाँ से मैं इस इमेज को चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरा एक इमेज को डाल दूँगा। शेप फिल पे जाइए और सेम प्रोसीड्योर फॉलो कीजिए, तो आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा। यह तो हो गया हमारा 3 इमेज इंसर्ट। अब हमें जो करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स को लेना है। सबसे पहले हमें दूसरा ये 6 हेडेड शेप को लेना है, लोगो के लिए, ब्रांड के जो लोगो रहेगा उसके लिए। वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। सपोज, और इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ओके, अब इस इमेज का जो कलर है, फिल कलर, हम ब्लैक कर देते हैं। पूरा का पूरा ब्लैक नहीं, 80% तक ब्लैक रहेगा और 15% लाइट रहेगा इसमें। अब इसका जो एक शेडो डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं इसका आउटर शेडो, और ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम कर देते हैं और ब्लर को बढ़ा देते हैं। अब इन तीनों पर भी हम शेडो दे देते हैं फिलहाल। इसका भी सेम सेंटर में कर देंगे और इसका जो ब्लर है थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ब्लर को, और ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सा घटा देते हैं। ओके, अब ये तीनों का तीनों फोकस में आ गया है बैकग्राउंड से। अब यही चीज़ हमें टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करना है बाद में। पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम बिजनेस पोस्टर। अब इसका कलर हम व्हाइट कर देंगे। होम पे जाइए, उसके बाद इसको व्हाइट कर दीजिए, और फॉर्मेट में जाके इसका शेप, जो शेप का जो बैकग्राउंड है वाइट, उसको नो फिल कर दीजिए और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए। उसके बाद होम पे जाइए और फिर से इसका जो फॉन्ट है इसको चेंज करना है हमें। इसका फॉन्ट हम देंगे ये वाला वैन स्क्रिप्ट सेमी कॉन्डेंस्ड, शायद ये प्रोनाउंस है इसका। उसके बाद इसका जो हाइट है हम 72 कर देते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं। अब इसका जो गैप है दो लाइन के बीच, वो हम रिड्यूस कर देते हैं। ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ पर कोई बात नहीं, चलेगा। अब इसी टेक्स्ट का हम शेडो अप्लाई करेंगे। इसके लिए फॉर्मेट में जाइए, ये शेडो जो टेक्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको सेक्शन, इसका जो यहाँ पे पॉइंट है फॉर्मेट टेक्स्ट वाला, उसी पर क्लिक कर लीजिए और ये शेडो का प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको कोई भी शेडो चूज़ करना है, पहले मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ बटन पे, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है से थोड़ा सा घटा देता हूँ ताकि फोकस में आए। देखिए फोकस में आ चुका है बहुत। और इसका ब्लर जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देता, नहीं, ब्लर करने से उसका गैपिंग और भी
सॉरी, अब ठीक है। या फिर इसका गैप घटाने के लिए एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम, या फिर इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें पोस्टर को डाल देते हैं, ये हो गया परफेक्ट गैपिंग। अब इसको ग्रुप कर देंगे दोनों टेक्स्ट बॉक्स को। अब आपको एक रेक्टेंगल शेप को लेना है फिर से। अब यहाँ पे रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इसका आउटलाइन को देना है। इसके लिए वेट को इंक्रीज कर लीजिए, 6 PT में दे रहा हूँ 6 पॉइंट, और कलर दे रहा हूँ वाइट। इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम देंगे डार्क ब्लैक को, और उसके बाद फॉर्मेट शेप पे जाके इसका डार्क ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि पीछे वाला बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा दिखे। इसे एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए फिर से, और यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पे हमें लिखना है कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इसका फिल कलर को रिमूव कर देंगे, आउटलाइन कलर को भी रिमूव कर देंगे। होम में जाके इसका कलर, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे, लेकिन पूरा का पूरा वाइट नहीं करना है, वो जिसमें 5% डार्क रहेगा वही कर देते हैं। और इसका फॉन्ट जो है हम देंगे एरियल ब्लैक, और इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 18, और इसे सेंटर में डाल देंगे। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ सर्विस का लिस्ट के लिए, और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम इस टेक्स्ट शेप में कवर कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देंगे एक ये वाला बुलेट यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देंगे डमी टेक्स्ट। आपको सर्विसेज जो है आपका वही लिखना है आपको, मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट यूज करूँगा। ओके, अब डमी टेक्स्ट का भी फॉन्ट साइज सब कुछ सेट कर लेते हैं। पहले फॉन्ट दूंगा यहाँ पे मैं कैलिब्री लाइट, और फॉन्ट का साइज होगा 10 या 11, जो कि बेहतर है। इसे अब लेंगे बुलेट, ये रहा परफेक्ट। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। बस 5 पॉइंट दे रहा हूँ। अब इसका जो गैप है, लाइन गैप, इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसे हम चूज कर देते हैं ऑरेंज, ताकि ब्लैक में इसका और भी अट्रैक्टिव लगे। अब ये जो पार्ट है इसमें हम डालेंगे लोगो। यहाँ पे आपका जो भी ब्रांड लोगो होगा वही आपको डालना है। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लोगो होगा यहाँ पे। और एक बात बताना मैं भूल ही गया, अभी बता देता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स को पहले फिल कर लूँ, इसका शेप फिल और आउटलाइन कलर को मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए।
ये हो गया लोगो का पार्ट। ये जो हमने लिखा है बिजनेस पोस्टर, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका किस टाइप का बिजनेस है, या कोई भी दो चार शब्द जो कि बिजनेस रिगार्डिंग होगा, या फिर कंपनी का नाम, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पलेट है इसलिए मैं बिजनेस पोस्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तब अब इंसर्ट पे जाइए और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन डालना है क्लाइंट के लिए, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ आइकॉन चाहिए। इसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे और एक ब्लैंक पेज ले लेंगे जहाँ पे आइकॉन इंसर्ट होंगे यहाँ पे। ओके, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, आइकॉन पे क्लिक कीजिए। याद रहे आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है इस आइकॉन को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे हम लेंगे टेल यानी कॉन्टैक्ट के लिए, ये वाला ईमेल के लिए इनवॉल्व, ये वाला एड्रेस के लिए लेंगे हम लोकेशन, जो कि ये वाला, और एक ग्लोब भी ले लेंगे वेबसाइट के लिए। ये हो गया हमारा चार, इंसर्ट कर लेंगे। देखिए ये फिक्स्ड है, पोजीशन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पोजीशन आप मूव नहीं कर सकते आपके मन चाहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका लेआउट को चेंज कर लेंगे। राइट क्लिक कीजिए, रैप टेक्स्ट पे जाइए और इसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर लीजिए। इसी तरह से चारों को कर लीजिएगा। ये तो हो गया, अब इन चारों को हम डालेंगे एक ही साइज में, पहले कर लेते हैं। ओके, अब इसे यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल के लिए, और इसका कलर जो है वाइट कर देते हैं। ओके, अब इस पेज को रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसको, इसको नीचे डालना है, और इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब बाकी रहता है ये वाला एड्रेस के लिए, ईमेल के लिए, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और ये वेबसाइट के लिए, इसे भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है क्या एड्रेस। पहले तो मैं फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो फिल कर देता हूँ, और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देता हूँ, और टेक्स्ट को जो है वो पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस है टाइप योर कंपनी एड्रेस। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, फॉन्ट चूज करता हूँ लाटो, LATO। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज होगा, मैं देता हूँ 12 कर देता हूँ, और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, अब इसका टेक्स्ट का कलर जो है पूरा का पूरा वाइट नहीं देना है, पिछली बार की तरह हमें ये वाला चूज करना है। ओके, ये हो गया है यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेंगे। ओके, इसे भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, ये बन चुका है। यहाँ पे हम देंगे ईमेल, abc@company.com यानी कंपनी का ईमेल। यहाँ पे होगा कंपनी का वेबसाइट। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेंगे फिर से, दो ले लेते हैं यहाँ पे, एक में लिखेंगे कॉल अस, और यहाँ पे फोन नंबर जो कि है 1800, कोई भी आपका जो भी हो वो आप डाल सकते हैं।
अगर दो नंबर है, तीन नंबर है, आप लिख सकते हैं एक के बाद एक इस तरह से। अब इसका जो फॉन्ट है वो हम देंगे एरियल राउंडेड, ओके। अब इसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 14B, यानी 14 बोल्ड, और इसको भी सेम कर देता हूँ एरियल राउंडेड। इसका भी 14 साइज दे देता हूँ। तो ये बन गया हमारा पोस्टर, बिजनेस पोस्टर। अगर ये डिज़ाइन एक्चुअली टूर एंड ट्रेवल्स के बेस पे बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस टाइप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट्स अगर हो तो प्रोडक्ट्स का इमेज भी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा मॉडिफाई करके आप अपने खुद के हिसाब से बना सकते हैं। वैसे हम तो वीडियो लाते रहेंगे और भी डिज़ाइन के ऊपर, तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।